अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा ट्रिक है जिसके जरिए आप किसी का भी वाईफाई यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको किसी का पासवर्ड नहीं मालूम और आप अपना मोबाइल फोन उस वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप किसी के भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सो गाइस, स्टार्ट से अंत तक लाजमी वीडियो को देखिएगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हर रोज न्यू टेक्निकल वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज आप नई वीडियो देख सकें। सो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं परफेक्ट रिजी चैनल। नाज़रीन, अगर आप किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका रूटर चाहिए होगा। अगर आप एक बार भी उस रूटर के करीब चले जाते हैं और उस रूटर के पीछे आपको WPS कुछ इस तरह से बटन आपको नज़र आएगा, ये आपने जो भी आपके पास डिवाइस होगी उसके पीछे आपने सर्च कर लेना है, उसकी साइड पे या आगे पीछे कहीं भी ये बटन लाजमी होगा। जितनी भी इंटरनेट की डिवाइसेस होती हैं उन पे ये बटन लाजमी होता है। कुछ दोस्तों को पता है लेकिन अक्सर ऐसे दोस्त हैं जिनको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता। सो गाइस, जिनको पता है वो अभी से इस वीडियो को लीव कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो स्टार्ट से अंत तक लाजमी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको वो ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास क्लाउड चार्जी या कुछ इस तरह की डिवाइस है तो उसको भी आप WPS पुश बटन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। सो गाइस, मैं आपको अभी लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ रियल में ट्रिक ये कैसे काम करेगा, और जिनके पास वाईफाई क्लाउड है या इस तरह की कोई भी डिवाइस है तो वो उसके जरिए कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ईवो क्लाउड चार्जी है, इसकी सर्विस हमारे पास आ रही है और ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लॉक्ड है, हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है। हमने करना कुछ यूं है कि ऊपर 3 डॉट पे प्रेस करना है। 3 डॉट पे प्रेस करने के बाद यहां से आ जाना है इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर हमने सर्च करना है WPS पुश बटन को। हम स्क्रू डाउन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस जगह पर WPS पुश बटन हमारे पास आ चुका है। हमने इस पे प्रेस करना है। इस पे प्रेस करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको करते हैं कैंसिल। कैंसिल करते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास इस तरह की डिवाइस है तो आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। अभी यहां पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं। अभी इन पे बहुत ही कुछ यहां से आपको नजर नहीं आएगा कि इस बटन के ऊपर लिखा क्या है, लेकिन आपने करना कुछ यूं है कि फर्स्ट वाला तो होगा इसका ऑन ऑफ वाला, सेकेंड वाला होगा WPS पुश बटन, आपने इस पे प्रेस करके रखना है। इस पे प्रेस करने के बाद आपने यहां से अब WPS पुश बटन को दबा देना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुकी है हमारे पास, ये वाईफाई क्लाउड जो चार्जी है ये हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको करना ओके। ओके करने के बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसकी सर्विस जो है वो आ रही है और फुल सर्विस इसकी आ रही है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का ट्रिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस अबाउट मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यूट्यूब के रिलेटेड बहुत सी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।